वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ कृष्णपाल सिंह पवार, अध्ययनशाला में आप सब लोगों का स्वागत है। ज्योग्राफी का लास्ट वीडियो जो हमने शूट किया था, जो आपको था, उस वीडियो में हमने महाद्वीपीय विस्थापन के बारे में जानकारी दी थी कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत क्या है, उसमें कैसे महाद्वीपों का विस्थापन हुआ, प्रारंभिक काल में महाद्वीप कैसे थे और वर्तमान स्थिति क्या हुई। लेकिन उसमें हमने एक चीज़ देखी थी कि महाद्वीपीय विस्थापन जो है उसमें वेगनर साहब उसके कारणों की व्याख्या नहीं कर पाए थे, सही कारणों की, कि महाद्वीपों का विस्थापन क्यों हो रहा है और कार्बनिक युग से पूर्व ये पूरे महाद्वीप एक क्यों थे, इसकी स्थिरता का कारण क्या और बाद में विस्थापन का कारण क्या, इसकी व्याख्या वो अच्छे से नहीं कर पाए। इसलिए इसके बाद एक नया सिद्धांत आया जिसको ज़्यादा आधुनिक सिद्धांत और ज़्यादा वैज्ञानिक माना जाता है, वह है प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत। पहले मैं इसके शब्दों की व्याख्या आपको समझा देता हूँ, फिर आगे बढ़ के बात करेंगे। प्लेट से यहाँ सीधा तात्पर्य है भूपरपटी के खंड, ये कुल मिला के कुछ नहीं है। भूपरपटी जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी सतह है उसके बड़े बड़े खंड हैं जो अपने नीचे दुर्बलता मंडल जो है, मतलब जहां मैग्मा भरा हुआ है उसके ऊपर तैर रहे हैं, उन खंडों को ही प्लेट बोलते हैं। विवर्तनिकी का मतलब होता है आंतरिक परिवर्तनों से जो बाहे प्रभाव हमको नजर आ रहे हैं, बाहे परिवर्तन नजर आ रहे हैं, वही विवर्तनिक परिवर्तन है। चट्टानों का टूटना, ऊपर चढ़ना, नीचे धसना, ये सब चीज़ें विवर्तनिकी में आती। तो ये प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत व्याख्या करता है, जहाँ जाके वेगनर ने रोका था उसको आगे जाकर किसने क्लियर किया है, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में क्लियर किया गया। तो सबसे पहले जो सिद्धांत क्या है, इसके क्या प्रोविजंस हैं और ये विस्थापन के कारण क्या बताता है और ये क्यों ज़्यादा साइंटिफिक और क्यों ज़्यादा एफिशिएंट है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले तो प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत बोलता क्या है, ये इमेजिन किया गया और ये वास्तविकता भी है कि पृथ्वी कई सारे भूखंडों में टूटी हुई है। पहले एक ही भूखंड था, एक ही भाग था जिसको अपनों ने पेंजिया बोला था और पूरा महासागर भी एक ही क्षेत्र था जिसको पेंथलाजा बोला था। बाद में आंतरिक हलचलों के परिणाम स्वरूप जो नीचे से दबाव बना, उस दबाव के परिणाम स्वरूप दो टुकड़े हुए, उत्तरी हिस्से को अंगारालैंड, दक्षिण हिस्से को गोंडवानालैंड, जो हम पहले जिक्र कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। लेकिन इनने बोला कि गोंडवानालैंड अंगारालैंड के बाद भी ये प्रक्रिया अनवरत जारी रही, केवल यहीं नहीं रुक गई, फिर उत्तर अमेरिका महाद्वीप, यूरोप, एशिया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप, अफ्रीका, ये सब बन गया। अब महाद्वीपीय विस्थापन तो यहीं तक ही बात कर रहा था, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी बोलती कि नहीं, ये बात यहाँ नहीं रुकी, ये प्रक्रिया अभी भी जारी है और पृथ्वी बड़े खंडों में टूट गई, कई सारे भागों में टूट गई। तो उनने प्लेटों को दो भागों में बांटा कि दो तरह की प्लेटें हैं, एक बड़ी और एक छोटी। सामान्य तौर पर बड़ी प्लेटें वो जिन पर महाद्वीप और महासागर स्थित है और छोटी प्लेटें वो जो छोटे छोटे सागरीय क्षेत्र और छोटे छोटे जो द्वीप है उनका निर्माण करती है। बड़ी और छोटे आकार के हिसाब से बड़ी और छोटी बोली है, नहीं तो संरचनात्मक रूप से प्लेटों को दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, एक महाद्वीपीय और एक महासागरीय। इस बात को थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा, महाद्वीपीय प्लेटें वो हैं जिन पर महाद्वीपों का निर्माण हुआ है और महासागरीय प्लेटें वो हैं जिन पर महासागर बसे स्थित है या भरे हुआ जल भरा हुआ जो क्षेत्र है। आप खुद सोचो, महासागर की प्लेट पानी के नीचे से प्रारंभ हो रही है और महाद्वीप की प्लेट हमें ऊपर नजर आ रही है। कोई भी चीज़, अभी हमने एक चीज़ बोली थी कि ये मैग्मा नीचे भरा हुआ है उसके ऊपर प्लेटें तैर रही है, उसके ऊपर खंड तैर रहे, इन्हीं को प्लेट नाम दिया हम लोगों ने। कोई चीज़ बाहर ज़्यादा दिख रही है और कोई चीज़ बाहर कम दिख रही है, तो इस बात पर निर्भर करता है कि उस प्लेट का घनत्व कितना है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपनों ने एक बड़ा सा बर्तन लिया, उस बर्तन में पानी भर दिया और अलग अलग किस्म की, एक ही आकार की अलग अलग किस्म की लकड़ियों को अगर उसके अंदर डालेंगे हम लोग, तो हम क्या देखते हैं, कुछ लकड़ी पानी के अंदर कम डूबी हुई है, बाहर ज़्यादा दिख रही है, कुछ लकड़ी पानी के अंदर ज़्यादा डूबी है, ऊपर कम दिख रही है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि उस पदार्थ का घनत्व कितना है। क्योंकि महाद्वीपीय प्लेटें ऊपर ज्यादा दिखती है और नीचे कम दिखती है, अर्थात इसका घनत्व कम है और इनका घनत्व ज्यादा है। अगर घनत्व कम और घनत्व अधिक है तो हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि इनके अधिकांश भाग का निर्माण सियाल से हुआ है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत, सिलिका और एल्यूमिनियम से, और इसके ऊपरी भाग का निर्माण तो सियाल से हुआ है लेकिन निचले भाग का निर्माण सिलिका और मैग्नीशियम सीमा से हुआ है। मतलब कि महाद्वीपीय प्लेटें अपेक्षाकृत हल्की और महासागरीय प्लेटें अपेक्षाकृत भारी हैं। इस बेसिस पे थोड़ा ऐसा समझो, अगर मैं इसको बाउंड्री मान लेता हूँ, इसके बाद से नीचे दुर्बलता मंडल जहाँ मैग्मा भरा हुआ है, उसके ऊपर स्तन जब भूखंड है, तो कुछ ये परिस्थिति, कुछ ये स्थिति बनती है। इसके बारे में एक खंड ये है, एक खंड ये है,
अधिक भारी प्लेट ज्यादा नीचे तक है, हल्की प्लेट ऊपर ज्यादा है। ये प्लेटें नीचे की जो संवहनी ऊर्जा है, भाई मैग्मा भरा हुआ है उसमें कन्वेक्शन एनर्जी फ्लो होती है तरंगों के रूप में, वो ऊर्जा इन्हें ऊपर नीचे दाएं बाएं विस्थापित करती है। तो जो कारण वहां पर महाद्वीपीय विस्थापन में नहीं क्लियर हो पाया था वो यहां पर वैज्ञानिक तौर पर क्लियर किया गया कि विस्थापन का कारण क्या है, आंतरिक भागों की संवहनी ऊर्जा वही इन टुकड़ों को चारों दिशाओं में गतिशीलता प्रदान करती है। यही कारण है कि हमारे महाद्वीप विस्थापित हो रहे हैं। तो दो तरह की प्लेटें, ये बात बिल्कुल विशेष तौर पर आप ध्यान रखिएगा, सियाल और सीमा, और कुछ इस प्रकार का इसका एक संतुलन बना हुआ है, ये अवस्था बरकरार रहती है। लेकिन यहां क्या बोला गया कि ये आंतरिक हलचलें जो हैं वो ऊपर के परिणामों को निर्धारित करती है। कैसे? हम ऐसा मान लें कि किसी कारण से कोई वजन दबने से ये प्लेट नीचे की तरफ दबेगी, अगर ये प्लेट नीचे की तरफ दबी तो यहां का पदार्थ इधर और इधर विस्थापित होगा। अब चूंकि ये पदार्थ विस्थापित होगा तो ये हल्की प्लेट को ऊपर उठाएगा। तो जब कभी भी किसी एक प्लेट का, एक भूखंड का धसना होता है तो वहीं उसके पैरेलल किसी एक भूखंड का उत्थान होता है, उतना तो संतुलन बन के चलेगा। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि जो चार पांच टुकड़े हमने लकड़ी के पानी में डुबो के रखे, एक टुकड़े को दबाना तो हल्के वाले टुकड़े ऊपर उठेंगे, हल्के को भी दबाओगे तब भी दूसरे टुकड़े ऊपर उठेंगे, यह असंतुलन की अवस्था है। और यही पृथ्वी के साथ भी होता है। इसी आधार पर हमने ये डिसाइड किया कि ये प्लेटें गतिशील है और प्लेटें तीन प्रकार के, गति करने के बाद तीन प्रकार के रिजल्ट देती है, तीन प्रकार के परिणाम उत्पन्न करती है। वो परिणाम के बारे में आपको बताता हूं, इसके तीन प्रकार के परिणाम क्या है इनकी गतिशीलता के कारण। तीन संभावना कैसी बनती है? अब मान लो गतिशीलता है, ये दो टुकड़े हैं, ये गतिशील है। अब गतिशील है, इनमें गतिशीलता की कई सारी संभावनाएं बनती है। पहली संभावना तो ये कि यदि दोनों टुकड़े एक दूसरे की तरफ गति करते हो, अगर मैं एक टुकड़ा, जैसे कि अपन बात कर ले कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप इधर गतिशील है और एशिया इधर गतिशील है, तो किसी समय ये मिलेंगे प्रशांत महासागर के दोनों कोनों पर, ये आपस में क्या है, गतिशीलता रखते हैं। एक संभावना ये बनती है कि दोनों टुकड़े एक दूसरे की विपरीत दिशा में गतिशीलता रखते हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, जैसे यूरोप और उत्तर अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। और तीसरा, दो टुकड़े एक दूसरे के समांतर गति कर रहे हैं, ना एक दूसरे से दूर जा रहे हैं ना एक दूसरे के पास आ रहे हैं। इन तीनों में अलग अलग प्रकार की अवस्थाएं निर्मित होती है। जब दो टुकड़े एक तरफ, दो खंड, दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ गतिशील करेगी तो आपस में टकराएगी। अब टकराने के बाद क्या रिजल्ट आएगा समझना, इनके प्रभाव में अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि क्या प्रभाव होते हैं, लेकिन अभी समझो क्या होता है। मान लो ये दो भूखंड, एक इधर से आया एक इधर से आया, दोनों आपस में टकरा गए और अभी भी ये इधर से गतिशील है, अभी भी ये इधर से गतिशील है, तो एक संभावना ही बनती है कि या तो दोनों नीचे धस जाए या दोनों ऊपर उठ जाए। तो हमको अक्सर तो ये देखने में आता है कि ऐसे स्थान जो होते हैं, ये किनारे जो होते हैं, इनको अभिसारी किनारा कहा जाता है। मैं अगले लेक्चर में आपको यह बताऊंगा कि कैसे अभिसारी किनारे भूकंप के लिए जिम्मेदार है, कैसे अभिसारी किनारों पर ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं और अभिसारी किनारों पर वलित पर्वतों का निर्माण कैसे होता है, ये हम आगे के लेक्चर में जिक्र करेंगे। फिलहाल इतना समझ लीजिए कि दो प्लेटें जब आपस में आके टकरा जाती है तो किनारे नष्ट हो जाते, टूट जाते हैं, ये अभिसारी किनारा है, इसको विनाशकारी किनारा बोलते हैं, क्योंकि यहां पर किनारों का विनाश हुआ, टूट गए हैं। जब दो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, एक ने इधर गति की, एक ने इधर गति की, इनमें कोई टक्कर नहीं हुई और किसी प्रकार का कोई विनाश भी नहीं हुआ, ऐसे किनारों को अपसारी किनारा बोलते हैं। अपसारी, ये प्लेट बाउंड्रीज है, अपसारी किनारा। और चूंकि अपसारी किनारे पर दूर जाने से नीचे का पदार्थ बाहर आता है, नया भूखंड बनता है, इसलिए इसको निर्माणकारी किनारा भी बोलते हैं। यहां पर नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, अगली बार देखोगे तो नया किनारा बन जाएगा, फिर दूर जाएंगे, फिर नीचे को कुछ पदार्थ बाद आएगा, फिर तो इससे मैं ये प्रूव करके बताऊंगा आपको कि कैसे कटकों का निर्माण हो रहा है, कैसे महासागरों के भीतर ज्वालामुखी उत्पन्न होते हैं और कैसे महासागरों के भीतर भूकंप की उत्पत्ति होती है, सुनामी वगैरह भी कैसे आती, ये भी हम इसमें क्लियर करेंगे। तीसरा, जब ये दोनों एक दूसरे के समांतर गति करते हैं तो न तो किनारों का विनाश होता है, न ही किनारों का निर्माण होता है, ऐसे किनारे कहलाते हैं संरक्षी किनारे। जैसा था वैसा का वैसा बना रहेगा। इन किनारों पर क्या रिजल्ट देखने को मिलता है? भूकंप की संभावना तो है ही है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के साथ गतिशीलता है। ज्वालामुखी ऐसे किनारों पर सामान्यतः तो नहीं आते, लेकिन ऐसे किनारों पर एक जगह, ये कई तरीके से हो सकता है, एक तो ये गति हो सकती है, ये भी गति हो सकती है।
ऐसे किनारों से भ्रंशों का और दरार खाइयों का निर्माण होता है, जो अभी मैंने आपको डायग्राम बनके बताया था यहां पर कि भ्रंश और डायग्राम, और आप यहां देख सकते हैं कि भ्रंश कैसे होते हैं और किनारे कैसे, उसके दशान कैसे होता है, रिफ्ट वैली वगैरह सब इसी में बनती है। मैं अगले वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि किन किनारों पर क्या निर्माण हो रहा है और कैसे निर्माण हो रहा है। तो ये प्लेटों की गतिशीलता, उसके तीन परिणाम, इन्हीं तीन परिणाम से पृथ्वी की ऊपरी संरचना पर अधिकांश निर्माण देखने को मिल जाएंगे और अधिकांश गतिविधियां हम लोगों को देखने मिल जाएंगी, भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों का निर्माण और पठारों का निर्माण, कटकों का निर्माण, महासागर का जो नितल क्षेत्र है उसमें कैसे सारे परिवर्तन, वो इस संदर्भ में हम समझ सकते हैं, जो कि अगले वीडियो में अपन डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे उसके बारे में। तो ये इसके प्रावधान थे। तो क्या होता है वो समझाया, दो प्रकार के किनारे हैं, दो प्रकार की प्लेटें हैं, दोनों प्लेटें बता दी, बड़ी छोटी भी है, बड़ी छोटी का उदाहरण भी बता देता हूं मैं आपको, बड़ी प्लेटें सात है, जैसे यूरेशियन प्लेट जिसपे पूरा यूरोप और एशिया बसा हुआ, यूरेशियन प्लेट, जैसे उत्तरी अमेरिका के नॉर्थ अमेरिकन प्लेट जिसपे उत्तर अमेरिका महाद्वीप बसा हुआ है, दक्षिण अमेरिकन प्लेट, अफ्रीकन प्लेट, ओशनिया प्लेट, अंटार्कटिका प्लेट, प्रशांत महासागरीय प्लेट, ये सबसे बड़ी प्लेट है क्योंकि सबसे बड़ा भूखंड यही है अभी तक का। छोटी प्लेटों की बात करो तो छोटी प्लेटों में कई सारी प्लेटें जो है, कैरेबियन सागर की कैरेबियाई प्लेट, अरब सागर के अरेबियन प्लेट, ठीक है, चीन सागर की चाइनीज प्लेट, ऐसे कई सारे छोटे बड़े उसके भी नाम हमको मिल जाएंगे। तो बड़ी और छोटी कई सारी प्लेटें मानी गई, सात बड़ी और 20 छोटी प्लेटें हैं, और इन्हीं को अगर उनका संरचना के आधार पर, इनके घनत्व के आधार पर निर्धारित करें तो एक जो भारी है वो महासागरीय है, जो हल्की है वो महाद्वीपीय है। कारण मैं आपको बता चुका था लेकिन फिर भी समझ लीजिए एक बार फिर से, जो एस्थेन, जो दुर्बलता मंडल है, जो जहां मेघमा भरा हुआ है, उस दुर्बलता मंडल में जो ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, उस संवहनी ऊर्जा के गतिशील होने की वजह से ये प्लेटें, जिस जो भूखंड है, ये गतिशील होते हैं, और इन्हीं यही गतिशीलता का कारण ज्यादा वैज्ञानिक माना गया, क्योंकि इसी की गतिशीलता के आधार पर इन तीन किनारों का अध्ययन किया जाता है, और इन तीन किनारों के आधार पर भूकंप, ज्वालामुखी, पर्वतों का निर्माण, पठारों का निर्माण, कटकों का निर्माण, महासागर के नितल का विस्तार होना, इन सभी घटनाओं को समझा जा सकता है। यही कारण है कि इसको ज्यादा वैज्ञानिक कारण माना जाता है। अब आगे के लेक्चर में मैं आपको यह बताऊंगा कि कैसे प्लेट विवर्तनिकी के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि कहां किसका कैसे भूतलों का कैसे संरचनाओं का निर्माण हो रहा है। तो इसकी जानकारी के लिए आप आगे जुड़े रहें। धन्यवाद।